শিলিগুড়ি থেকে কামদুনি, নির্যাতিতাই কন্যাশুনি, রাজ্যের জুড়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জ উঠুন এবিভিপি কে ব্যানার পর। ইহা স্পষ্ট শব্দ মে আপ দেখ পা রহে হ্যাঁ, জো লিখা হ্যায় অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। আজ 9 ফরবরি শুক্রবার কে দিন শিলিগুড়ি কলেজ পাড়া কে নজদিক DI অফিস কে সমক্ষ পৌঁছে হ্যায়, জো কি ইহ DI কো ইহ দেনে ওয়ালে হ্যায় এক জ্ঞাপন। ইনকা জ্ঞাপন জো হ্যায় ও আজ সে कुछ दिन पहले 14 वर्षीय एक बालिका के साथ में एक शिक्षक जिनका सिलीगुड़ी नाबालिग स्कूली छात्रा से दरिंदगी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। शिक्षक का नाम जो है मोहम्मद आलम को नौकरी से बर्खास्त करने का, नौकरी से निकालने की मांग है इनकी। इसी को लेकर के आज यह DI ऑफिस में पहुँचे हैं और यह स्पष्ट शब्दों में यह अपने मांग को रखने के लिए आए हैं। आपको जैसे कि हम बता दें आप देख पा रहे हैं। अब ये प्रेस वार्ता में देखिए क्या अपने बातों को रखते हैं, आइए सुनते हैं। কিছুদিন আগের ঘটনা, শিলিগুড়ির 14 বয়সী এক নাবালিক ছাত্রী, তাকে নির্যাতন করা হয়, নির্যাতন করে একজন স্কুল শিক্ষক। আজকে সেই ঘটনার মামলা করে 4 দিন হলো, কিন্তু স্কুল শিক্ষকের চাকরি এখনো বাতিল হয়নি এবং সেই স্কুল শিক্ষকের চাকরি বাতিলের দাবিতে আজকে আমরা DI অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করতে এসেছি। আজকে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য, সেই স্কুল শিক্ষকের চাকরি বাতিল করতে হবে। তিনি কি একটা নির্দিষ্ট সম্প্রদায় থেকে আসে বলেই কি তাকে এই সুরক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তাকে আলাদা করে ছাড় দেওয়া হচ্ছে? দেখুন, বাংলার মায়েরা বোনেরা লক্ষ্মীর ভান্ডার নয়, বাংলার মায়েরা বোনেরা বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর সুরক্ষা চায়। আজকে সেই শিক্ষক 2 বছর আগে সেই শিক্ষকের উপরে আরোপ লেগেছে, তিনি চার দিন হলো আমরা বিভিন্ন সংগঠনরা লড়াইয়ের পরে তাকে অ্যারেস্ট করা হলো, কিন্তু তার উপরে এর আগেও এত আরোপ লেগেছে, তার এখনো চাকরি বাতিল হলো না কেন, আমাদের এটা নিয়ে জবাব চাই। তাই আজকে আমরা DI অফিসে গিয়ে অবশ্যই চাকরি থেকে বরখাস্ত করছি, এমন শিক্ষকের যারা শিক্ষা জগৎকে কলুষিত করছে তাদের কি কোনো অধিকার আছে না এই ধরনের মানুষকে শিক্ষকতা করার জন্য? আমার নাম অনিকেত দে সরকার, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ শিলিগুড়ি মহানগর সম্পাদক। তো আপনি ইহা শোনা এবিভিপি কে कार्यकर्ता के माध्यम से और उनके जो भी यहाँ पे ये लेकर के आए हैं ज्ञापन देने, वो उनके उनके सारी बातों को आपने सुना। अब आइए आपको हम बता दें कि उनके रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह के रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वान, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदीराम बल्ली हिलकार रोड, सिलीगुड़ी।
श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। लेटर पीरियड पे, उनके लेटर पीरियड पे क्या वो DI को देने आए हैं? यू आर अवेयर दैट अ 14-year-old गर्ल फ्रॉम अ सिलीगुड़ी वॉज मोलस्टेड बाई अ स्कूल टीचर। इट हैज़ बीन 4 days सिंस द इंसिडेंट हैपेंड, बट स्टिल द स्कूल टीचर्स जॉब has not been cancelled. Being a school teacher, he is teaching a private tuitions which is not legal. Our clear demand is to cancel the school teacher's job as soon as possible, and restricted punishment should be and ensured. कहना चाहते हैं, आप जानते हैं कि सिलीगुड़ी की एक 14 वर्षीय लड़की के साथ में एक स्कूली टीचर ने छेड़छाड़ की थी। इस घटना को हुए 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक स्कूल टीचर होने के नाते, स्कूल टीचर विशेष पंथ के होने के नाते, उसको आज तक नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया है। नौकरी रद्द करने की मांग की गई है। वह प्राइवेट ट्यूशंस कैसे पढ़ाता है, जो कि गलत है, वैधानिक नहीं है एक शिक्षक होते हुए भी। साथ ही साथ हमारी स्पष्ट मांग है कि जल्द से जल्द स्कूल शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उसको नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि ऐसे शिक्षक समाज के लिए गलत है, सही नहीं है। शिक्षा जगत को दूषित कर रहा है। शिक्षा जगत एक पवित्र जगत माना जाता है। ऐसे पवित्र स्थान में वो इस तरह का घृणित कार्यक्रम को अंजाम दे रहा है, जो कि गलत है। तो आपने देखा, सुना, समझा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद।